मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग हो या पुलिस विभाग या फिर शिक्षा विभाग, जिस विभाग पर भी सवाल उठाए तो जवाब आता है विभाग में स्टाफ की कमी है। और बड़ा सवाल यह है कि जब इन विभाग में स्टाफ की कमी है तो फिर ये कमी दूर क्यों नहीं की जाती है? सिर्फ साफगोई से ये कमी स्वीकार करने में क्या समस्या का निजात मिल पाएगा? स्टूडेंट को हो रहे नुकसान का आखिर जिम्मेदार कौन? मध्य प्रदेश में नए विश्वविद्यालय और महाविद्यालय खोलने की बात कही जाती है, लेकिन जो अभी वर्तमान में विश्वविद्यालय और महाविद्यालय संचालित है उसमें स्टाफ की कमी नजर आती है। इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया जी। सर, जिस तरह से स्टाफ की कमी कही जाती है और छात्र के भविष्य पर इसका असर पड़ता है, इसके लिए क्या योजना है? देखिए, हायर एजुकेशन में सरकारी महाविद्यालयों में काफ़ी समय से टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की कमी रही है, और मैंने अपना कार्यभार संभालने के बाद ही इसमें बहुत तेज़ी से पहल की थी। PSC ने 2000 से ज़्यादा पदों के लिए सेट के एग्ज़ाम कंडक्ट किए हैं। लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा होने के बाद 2/3 सीटों की प्रतिपूर्ति हम कर देंगे, और मुझे लगता है कि इससे बहुत सुधार हो जाएगा। सर, और बचे हुए जो विषय हैं उनको भी हम UGC से जल्दी परमिशन लेकर इसी वर्ष के अंदर कर लें, ये हमारा प्लान है। सर, शिक्षा का जो स्तर है अभी उतना अच्छा नहीं है, उसको और बेहतर करने के लिए क्या नवाचार किए जाएंगे आपके द्वारा? नहीं, ये एक आम धारणा बनाना मीडिया के द्वारा या किसी विपक्ष के द्वारा, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। हाँ, गुणवत्ता बढ़ाने का काम तो अंतहीन है, उसकी हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में गुणवत्ता विहीन हायर एजुकेशन है, इसको मैं कैसे मान लूँ, कैसे कहा जा सकता है? हमारे निजी विश्वविद्यालय तक में देश के 100 विश्वविद्यालयों में 2 ऐसे विश्वविद्यालय आए हैं जिनकी तारीफ होती है ऑल इंडिया लेवल पर। हाँ, ये ज़रूर है कि कसावट हमने बहुत तेज़ी से की है, और शिक्षकों की उपस्थिति के बारे में कतई कोई कंप्रोमाइजन नहीं हो रहा है, और अब आपको महाविद्यालयों की तस्वीर बदली हुई दिख रही है। तो निश्चित तौर पर जयभान सिंह पवैया ने कहा है कि ऐसी बात नहीं है कि गुणवत्ता विहीन है मध्य प्रदेश की शिक्षा, और शिक्षा की गुणवत्ता की जहां तक बात है तो वो अंतहीन है, उसको हमेशा सुधार किया जाएगा। कैमरामैन अनवर खान के साथ अभिषेक पांडे, इंडिया फर्स्ट न्यूज़, भोपाल।